आवाज वगैरह आ रही है एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आवाज आ रही है तो एक बार सभी लोग जितने लोग हैं यहाँ पर एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या आवाज हमारी आप सभी के पास मिल पा रही है? और मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग यहाँ पर थम्सअप कर दीजिए। फिर हम लोग यहाँ पर क्लास को बेहतर तरीके से यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, बेहतर क्वेश्चन होते हैं और बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन होते हैं। चलिए राम राम सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। आवाज आ रही है ना, रेडी है? चलिए सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और हमेशा से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। कह रहा है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की जो संख्या होती है वो आखिर कितनी मानी गई है। तो आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा? सी नंबर, यहाँ पर देखिए आपका जवाब जिनमें आया है सी नंबर बिल्कुल सही है। हमने कहा सर मूलतः वर्णमाला में देखा जाए तो आप कहेंगे 52 वर्णों को मिलाकर ही वर्णमाला बनता है, है ना? तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अब इसमें से देखा जाए 52 में से आपके 11 स्वर होते हैं, है ना? यहाँ पर 11 स्वर के साथ साथ आपके 33 आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। बाकी बहुत आपकी चीजें होती हैं, है ना? जैसे आपके दो और स्वर होते हैं यहाँ पर, आपके जो इस पर कह सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन वगैरह, अंतास्त व्यंजन, मिश्रित, ये सब मिला के आपके 52 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण आपका है कौन सा? दंतव्य क्या है? हमने कहा मान लो आपको नहीं आता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम तुक्का मारेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। या को बोलिए, चा को बोलिए, ता को बोलिए और ऊ को बोलिए। तो इसमें एक ऐसा भी कह सकते हैं दांत और यहाँ पर कह सकते हैं जीभ का स्पर्श होगा। और ये जो स्पर्श हो रहा है देखिए ता, जब ता बोलते हैं तो आपकी जीभ किसको स्पर्श कर रही है? तो आपकी जीभ और दांतों का स्पर्श हो रहा है, इसलिए से बोलते हैं दंत, है ना? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है आपसे कह रहा है कि घ का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान पूछा है। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो आपसे कह रहा है घ का जो उच्चारण स्थान होता है इनमें से क्या होता है? क, ख, ग, घ, है ना? क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, कंठ बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अभिनंदन से विशेषण नहीं है, अभिनंदन से निर्मित विशेषण आपका नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जवाब दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो अभिनंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। अभिनंदन से याद रखिएगा जो आपका अभिवंद है, अभिनंदनीय है, अभिवंदित है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका जो भी दिया है अभिवादित, अभिवादित जो दिया है ये अभिनंदन से संबंधित बना हुआ विशेषण आपका नहीं है, है ना? यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना है? संज्ञा शब्द से नहीं बना है, यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए वेरी गुड, अच्छा प्रयास है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन कहेंगे सर संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण आपका नहीं है? तो देखिए आपका जो 5 नंबर दिया है तो हमने कहा सर दैनिक दिया है, ग्रामीण है और भारतीय है। देखिए दैनिक एक प्रत्यय लगा है, ग्रामीण है, भारतीय है, लेकिन बाहरी, भीतरी, बाहरी ये कोई आपका विशेषण नहीं होता है ना? तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, बाहरी। ये विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है? कर्मवाच्य में देखो हमने बताया है कर्म प्रधान होता है, कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म प्रधान होता है और कर्म जो होता है वो आपका होता है द्वारा, है ना? जिसको हम लोग द्वारा कहते हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं आप कहते हैं बाई रवि, है ना? बाई फलाने, बाई डीएम, बाई फलाने। तो हमने कहा सर बाई मतलब होता है द्वारा और द्वारा शब्द लगा है देखिए ऑप्शन सी पर, तो बड़ा आसान हो गया है। 6 नंबर का जवाब से बनेगा सी हो जाएगा, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएंगी, है ना? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट रखिएगा। मतलब जब भी कभी आपको मिल जाए, है ना, द्वारा तो समझो वो आपके कर्म पर फोकस कर रहा है, है ना? अगर पूछे कलाकार के द्वारा मूर्तियां बनाई गई तो हम लोग यहाँ पर कह देते, लेकिन ऐसे भी दिया है सिंपल तो आप कहेंगे ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है राम नहीं जाता है वाक्य में भाववाच्य में परिवर्तन रूप क्या होगा? मतलब यार राम नहीं जाता है, है ना? अब कह रहा है इसको भाववाच्य में कन्वर्ट करना है तो भाववाच्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप कहेंगे सर 7 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए राम को नहीं जाना है, राम जाता ही नहीं है, राम से जाया नहीं जाता है। देखिए ऑप्शन सी वाला, राम से जाया नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता है, है ना? तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका कौन बनेगा? सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन कहिएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह दौड़कर चलता है वाक्य में क्रिया क्या है? वह दौड़कर चलता है तो पहले दौड़कर है फिर चलता है, वाक्य में क्रिया क्या है 8 नंबर में? तो आप कहेंगे सर 8 नंबर की बात करते हैं तो देखो दौड़कर और चलना, तो पहला दौड़ा है फिर चला है, इसका मतलब है जो दौड़कर क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया है, जिसे वह आकर पढ़ने लगा, वह नहा कर खाना खाने लगा, है ना?
वह नहाया और कपड़े पहनने लगा। तो ये क्या होता है, जब दो क्रियाएं होती हैं तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। यहां पर देखिए अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग को आपको पहचानना है। शायद ही कि आप लोगों से कभी गड़बड़ियां होती हो स्त्रीलिंग में, है ना, कभी किसी से गड़बड़ी नहीं होती है। देखिए स्त्रीलिंग में दिया है संसार कैसा है, हमने कहा सर कैसा से आंसर आता है तो आप कहेंगे सर पुल्लिंग है, अगर कैसी से आंसर आता है तो आप कहेंगे सर स्त्रीलिंग है। जैसे हमने कहा पानी कैसी है तो आप कहेंगे सर नहीं पानी कैसा है, तो पानी क्या है पुल्लिंग है। तो ऐसे यहाँ पर गौरव समुदाय और अश्विनी, हमने कहा सर ऑप्शन देखा जाए तो संसार कैसा है, गौरव कैसा है, समुदाय कैसा है, अश्विनी, तो आपको लग रहा है अश्विनी है ना किसी का नाम होगा, लेकिन याद रखिए नक्षत्र का नाम है। जो आपके नक्षत्र होते हैं नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, कुछ चीजें आपके अपवाद में होती हैं, बाकी इसका आंसर आपका डी होगा, अश्विनी एक नक्षत्र का नाम है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते क्या है, तो जब समाप्त ही करना है अपने लय को तोड़ देना है ना, अपना पूरी तरीके से उस खंडन को समाप्त करना है, तो ये होता है पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते, बी नंबर हो जाएगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखो दिया है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे सर वाच्य के तीन प्रकार होते हैं। अब कौन कौन होते हैं आप लोग बता सकते हैं, कहेंगे सर जी सर बता सकते हैं, एक तो होता है कृत्यवाच्य होता है, दूसरा आपका यहाँ पर कर्मवाच्य होता है, तीसरा यहाँ पर होता है भाववाच्य होता है भाववाच्य। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है दुष्कर शब्द का समानार्थी है, दुष्कर मतलब होता क्या है पहले ये बताइए, दुष्कर मतलब होता क्या है, तो हमने कहा सर दुष्कर होता क्या है सबसे पहले ये, चलिए दुष्कर का समानार्थी पूछा गया है, दुष्कर जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं। चलिए दुष्कर मतलब होता है जो बड़ी कठिनाई से मिले, जैसे आज के समय में नौकरी मिलना बड़ा कठिन है, आज के समय में शादी भी बड़ी आसानी से नहीं होती है, यहाँ पर जो माँ बाप होते हैं लड़की के लिए लड़का ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, और आपको बताया कहीं ना कहीं कारण भी यहाँ पर होता है क्योंकि लड़की पहले से ही डिमांड कर देती है दहेज के मामले में कि नहीं नहीं मैं जाऊंगी तो मुझको ये क्या, मुझको ये मिलना चाहिए, पति भी सुंदर होना चाहिए, पति जॉब करता हो, है ना। तो लड़कियों की डिमांड के हिसाब से पिता क्या करते हैं, अपनी बेटी की खुशी के लिए ऐसा ही वर ढूंढते हैं जो उसके लायक हो, लायक मतलब ये हो कि उसकी खुशियां उसमें समाहित हो। अगर लड़की अगर डिमांड ना करे तो हो सकता है कि जो पिता होते हैं उनको इतनी दहेज की आवश्यकता ना हो, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज के जो समय में रोल है वो आपकी लड़कियों का भी और रोल पूरा होता है, तो इसलिए पति को मिलना बड़ा आसान हो जाता है, मतलब कह सकते हैं ये भी क्या है बड़ा कठिन चीज है आज का। और अगर आपके 6 महीना अगर शादी रुक गई, 6 महीने अगर हो गया तो फिर लगभग लगभग यहाँ पर देखिए 80% हो जाता है कि नहीं उनके क्या होते हैं भैया, शादी टूट जाती है, इसके बाद दोबारा शादी ढूंढते हैं, है ना, अगर 6 महीना डाल दिया जाए अगर इस प्रकार से। तो यहाँ तो देखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कर के अनिकार्थी आपके हैं। बहुत लड़के होते दहेज मांगते भी हैं, ऐसा नहीं है लड़के दहेज नहीं मांगते, बहुत लोग मांगते हैं लेकिन बहुत कुछ ऐसा है भी नहीं है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कर के अनेकार्थी हैं, कर के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। हमने कहा सर कर के अनेकार्थी में देखा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए वस्तुओं पर लगाया जाने वाला जो कर है ना, जैसे कह रहे हैं हाथ दिया है, सूंड दिया है, शेष दिया है, तो हमने कहा सर कर दिया है, हाथ दिया है और आपका सूंड दिया है। यहाँ पर जो 13 नंबर का ऑप्शन है वो आपका 80 नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का नहीं है। देखिए अब संस्कृत के उपसर्ग और आपकी हिंदी के उपसर्ग में बड़ा अंतर होता है, जो लोग सीटेट करते हैं उनको पता चलता है कि नहीं हाँ वास्तव में जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं हिंदी से बिल्कुल हटकर होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर संस्कृत के उपसर्ग में देखिए अनु दिया है, प्रा दिया है, औ दिया है, लेकिन हम जो आपका है संस्कृत के उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है कार प्रत्यय से निर्मित शब्द आपका नहीं है, कार प्रत्यय से निर्मित शब्द आपका नहीं है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कार, बेकार, कुंभकार, कलाकार और तच्छकार। देखिए 15 नंबर में यहाँ पर ये बताइएगा अगर हम यहाँ से कार प्रत्यय निकालेंगे तो ये बे शब्द का अकेले क्या करेगा, अकेले क्या खुशियां मना पाएगा, नहीं मना पाएगा ना। अगर हम कार निकाल देंगे तो ये प्रत्यय शब्द जो बे बचेगा ये बे बेचारा अकेला हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं, इसको कोई साथ नहीं देगा। लेकिन अगर कुंभकार में अगर कार हटाएंगे तो कुंभ का अर्थ निकलेगा, तच्छ का अर्थ निकलेगा, कला का भी अर्थ निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी आपका है, यहाँ पर भी प्रत्यय और यहाँ पर भी है, लेकिन आपके इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, पूरा का पूरा शब्द है। अगर इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे तो फिर अर्थ बिल्कुल बेकार हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कर शब्द का अर्थ नहीं है,
कर शब्द का अर्थ नहीं है दोस्त, बताना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए 16 नंबर आपसे कह रहा है, हमने कहा सर कर मतलब क्या हो गया, हाथ होता है, कर मतलब किरण होता है, कर मतलब सूर्य होता है, लेकिन गधा तो होता नहीं है। अभी हमने बताया था कि गधा तो नहीं होता है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से, कह रहा है निम्नलिखित में से सही अर्थ युग्म शब्द आपको छांटना है। यहाँ पर 17 नंबर में देखिएगा, कह रहा है क्षति दिया है और हानि दिया है, क्षति हानि, फिर दिया है क्षिति और दोष, अंब और अंबु, और आवश्यक दिया है अभी दिया है। देखिए आप क्या क्या सही करे जाए भाई, यहाँ पर जलज है और यहाँ पर दिया है बादल है, जलज बादल, जलद और कमल, ये भी नहीं हो रहा है भाई, है ना, ये भी गलत दिया है, ये भी आपका अंब गलत दिया है, छिति छिति ये गलत दिया है। ऑप्शन डी वाला देखिए, कह रहा है ग्रंथ मतलब गांठ होता है, ग्रंथ मतलब पुस्तक हो गया। देखिए ऑप्शन आपका हो गया डी नंबर। देखिए ग्रंथ मतलब गांठ होता है और ग्रंथ मतलब पुस्तक होता है, आप कहेंगे आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भयभीत का समास विग्रह इनमें से क्या होता है। चलिए घर का सिलेंडर फट गया, तो ये तो बड़ा बुरा हुआ कि घर का सिलेंडर फट गया, थोड़ा ध्यान दिया करें। देखो दिया गया भयभीत का समास विग्रह क्या हो जाएगा, बताना है। दिया भयभीत का समास विग्रह, अगर भयभीत का समास विग्रह ही देखना है तो हमने कहा यह भी आपका आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया भय से भीत, है ना, क्या भय से भीत। हमने आपको एक बात बताया था, याद होगा कि जब भी कभी आपको भयभीत होता है आप डरेंगे किसी चीज से, क्या जब डरेंगे, और जब डरेंगे तो आप अलग होंगे। जैसे हमने कहा यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे आशीष पटेल को, है ना, कुत्ते से डर लगता है, यहाँ पर सौरभ गुप्ता को, है ना, यहाँ पर शेर से डर लगता है, यहाँ पर देखा जाए किसी का भी नाम ले लें तो उसमें क्या होता है, जब डर लगेगा तो आप भागेंगे, उससे दूर होंगे, और जब दूर होंगे तो आप कहेंगे सर दूर होने के लिए या अलग होने के लिए एक शब्द होता है से, क्या होता है से होता है, जब से होता है तो इसका मतलब ये अपादान कारक है, क्या है, अपादान कारक है। तो यहाँ पर याद रखिए भयभीत में अपादान कारक होगा और बोलेंगे भय से भीत, तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर भय से भीत इसका आंसर राइट हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है, गलतियां नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द्वंद समास का उदाहरण नहीं है, द्वंद समास, हमने कहा द्वंद में दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, क्या होते हैं, दोनों ही पद आपके प्रधान होते हैं। अब देखिए कपड़ा लत्ता दिया है, है ना, योजक चिन्ह भी आपका है, बिल्कुल सही है, पान और तंबाकू दिया है, राग विराग दिया है, घर घर दिया है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए 19 नंबर में, तो क्या पान तंबाकू और घर घर में, देखिए घर और घर ये द्वंद्व समास नहीं है, ये तो आपका है अव्ययी भाव समास है, क्या है, अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। घर घर होता है, दूर दूर होता है, या धड़ो धड़ाधड़ होता है, तो ये दुरुक्ति वाले शब्द आपकी अव्यय में जाते हैं। तो कपड़े लेते पान तंबाकू, है ना, तंबाकू पान, राग विराग में द्वंद्व हो जाएगा, दोनों ही पद आपके प्रधान है। अगला है किस समूह में यण संधि रहित शब्द आपका है, यण संधि रहित आपसे पूछा गया है। अब आप ये बताइए यण संधि में क्या बताया गया था, एक पॉइंट आपको बताया गया था कि सर जी वा के साथ आदक्षर होता है, या के साथ आदक्षर होता है, या के साथ आदक्षर आपका दिया गया है, है ना। यहाँ पर देखिए जो आपका और पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है पितृ अनुमति दिया है, तो क्या पितृ अनुमति में होगा, नहीं होगा, है ना, यहाँ पर नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पर नहीं दिया है, यद्यप दिया है, सडानंद दिया है, सडानंद में होगा, आप कहेंगे सर यण संधि रहित है, ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए और भी आपको देखना है तो और भी दे सकते हैं, मात्रानंद है, यहाँ पर नर इसमें तो आपका ही है, इसमें भी आपका है, इसमें भी आपका है, इसमें भी दिया है, और अरे कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखिए भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आपका पितृअनुमति तो दिया गया है इसमें, है ना, यहाँ पर नदूर में भी दिया गया है, है ना, यहाँ पर मात्रानंद दिया गया है। अब आप कहेंगे सर जी गड़बड़ी तो ये भी है, गड़बड़ तो ये भी आपका है, गड़बड़ तो आपका ये भी है, मतलब क्वेश्चन गड़बड़ है। यहाँ पर समूह में जो यण संधि सहित, सहित कह दीजिए, और इसको मतलब निगेटिव सहित अगर लगा देंगे तो कहेंगे सर ये आपका आंसर सिर्फ ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सिर्फ ए हो जाएगा, यण संधि वाले जो समूह है, यण संधि सिर्फ और सिर्फ आपके इसमें है, क्योंकि भैया पितृअनुमति में तो हो नहीं सकता है, यहाँ पर नदूर में हो नहीं सकता है, मात्रानंद में हो नहीं सकता है, तो आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है, यहाँ पर होना चाहिए यण संध, है ना, सहित, सहित तो हो कि रहित दिया गया था भाई, यहाँ पर देखिए सहित शब्द होना चाहिए, रहित दिया गया है, है ना, तो आप कहेंगे सर यण संधि जो आपके है तीनों शब्द आपके इसमें भी है, यहाँ भी है और इसमें भी है, तो आपका आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है, अगर हम आपसे बोले कि रहित आपका दिया गया है, हमने कहा बी भी दिया है, लेकिन नधूम में होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द में विसर्ग संधि है, कौन से शब्द में विसर्ग संधि दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो देखिए यहां पर दिया विसर्ग संधि, अत्यधिक में हो नहीं सकता है, उत्तम में हो नहीं सकता है, तन्मय में होगा नहीं, मनोधन अनुकूल। हमने कहा सर मन लिख लीजिए और ओ की मात्रा को विसर्ग में कन्वर्ट कर दीजिए और इसके बाद कर दीजिए अनुकूल, क्या कर दीजिए अनुकूल कर दीजिएगा। तो ये हो गया आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिये अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, टेढ़ी खीर होना मोहरे का सही अर्थ क्या है। टेढ़ी खीर होना क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया है, टेढ़ी खीर होना इसका आंसर क्या है। चलिए देखिए हमने कहा सर 22 नंबर की बात करते हैं तो 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहां पर देखिएगा टेढ़ी खीर होना मतलब होता है कठिन काम करना, ऑप्शन नंबर आपका सी कठिन काम करना हो जाएगा, है ना। उस क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, बाद में अच्छी तरीके से देखेंगे और आप भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब जो चीज में अगर हमने यहाँ पर समय दिए हैं और फिर भी उसमें डाउट लग रहा है तो एक बार स्क्रीन शॉट लीजिएगा, हो सकता है कि हमको भी यहाँ पर कोई पॉइंट में ना बात आ रही हो तो उसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है मौके का फायदा उठाना, मौके का फायदा उठाना इस लोकोक्ति का अर्थ होता क्या है। तो आप कहते हैं सर मौके का फायदा उठाना मतलब होता है यहाँ पर क्या बोलेंगे, बहती गंगा में हाथ धो लेना, है ना, बहती गंगा में हाथ धोना मौके का फायदा यहाँ पर सर ही हो जाएगा। और आज की दुनिया यही काम कर रही है, मौके का फायदा बहुत उठाती है, है ना। यहाँ पर अष्ट का तद्भव होता क्या है, तो हमने कहा आधा शायद ये तो तत्सम है और इसका जो तद्भव शब्द होगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आठ हो जाएगा, आठ जो की ऑप्शन डी बनेगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द आपका नहीं है, कौन सा तत्सम शब्द आपका नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखिए हमने कहा सर तत्सम शब्द की बात करते हैं तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब देंगे। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आपको लग रहे हैं कि नहीं, हाँ यहाँ पर देखा जाए 25 नंबर में देखिए पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कुसुम है, यहाँ पर मौसिका शब्द दिया है, वन शब्द दिया है, नेह तो नहीं होगा क्योंकि नेह का होता है स्नेह, अगर स्नेह शब्द होता तो ये तत्सम होता है, नेह का स्नेह बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अपराध बोध से होने वाली ग्लानी, वाक्यांश के लिए शब्द क्या है, अगर आपसे अपराध होता है और अपराध के बाद आपको ग्लानि अर्थात एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि आपको क्या होता है, यहाँ पर अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को कहते क्या है, आत्मग्लान कहते हैं या पश्चाताप कहते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए बताइएगा अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द। चलिए तो हमने कहते हैं सर पश्चाताप, है ना, क्या होता है पश्चाताप होता है, इसका जो आंसर देना है वो आपको डी देना है, याद रखिएगा यहाँ पर आपको डी लगाना है, क्या हो जाएगा डी नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है केशव कहीं न जाए का कहिए देखो तब रचना विचित्र अति समुझ न नहीं मन रहिए। देखिए हमने कहा था कि यहाँ पर जो रस है तो यहाँ पर एक शब्द दिया है विचित्र, और जब विचित्र शब्द दिया है तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या होगा, विचित्र का होता है क्या, यहाँ पर अद्भुत होता है, क्या होता है अद्भुत होता है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा अद्भुत बनेगा। सारंग ले सारंग चल कई सारंगी की ओट सारंग जीनो पाए के सारंग कही गई चोट, यहाँ पर देखिए आपसे अलंकार पूछा गया और 28 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर सारंग है सारंग है सारंग है, है ना, तो कहीं ना कहीं ये होगा आपका यमक अलंकार, क्योंकि जब शब्द दिए होते रिपीट होते हैं और हर एक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है तब ये क्या होता है आपका शब्द अर्थात ये यमक अलंकार होता है। यहाँ पर अगला है समान अर्थ बताने वाले शब्दों को कहते क्या है, समान अर्थ अगर समान अर्थ बता रहे हैं तो बिल्कुल मतलब कह सकते हैं 29 नंबर जो दिया गया है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर पर्यायवाची होते हैं, क्या बोलेंगे समान अर्थ बताने वाले को बोलते हैं पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो आप कहेंगे सर भारतवर्ष को देखा जाए तो हिंदी को रखते हैं राजभाषा में, किसमें राजभाषा, आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर राइट नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखो दिया है समानार्थी शब्द आपसे कह रहा है चार चार विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर आपको उत्तर पुस्तिका में बताना है, है ना, जो कि कह रहा है समानार्थी के चार विकल्प दिए उचित विकल्प में चुनना है उत्तर पुस्तिका में, यहाँ पर तदा अनुसार चिन्हित करना है। तो चलिए 31 नंबर देखते हैं, यहाँ 31 नंबर में आपसे कह रहा है घर, और घर का जो होता है क्या होता है, तो कहेंगे घर का प्रवास तो नहीं होता है लेकिन यहाँ पर आवास जरूर होता है, घर का होता है आवास, ऑप्शन बी बनेगा। आग का क्या होता है, तो आग का होता है अनल होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। स्वाधीनता, स्वाधीनता का होता क्या है, स्वाधीनता, और जब स्वाधीनता का पर्यायवाची पूछा गया है तो आप कहेंगे सर स्वाधीनता मतलब होता है स्वतंत्रता, जैसे आप देखे होंगे कि आपके समय में बहुत लोगों के समय में यहाँ पर जो सेंटर होते थे लड़कियों के सेंटर यहाँ पर रुके रहते थे, है ना, उसी स्कूल में होते थे, लड़कों का सेंटर बाहर जाता था, तो यहाँ पर स्वतंत्रता है परतंत्र है, यहाँ पर स्वाधीनता मतलब होता है स्वतंत्रता। यहाँ पर अगला है पिता का जो आपका पर्यायवाची होगा पिता का क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर पिता को बोलते हैं जनक, क्या बोलते हैं जनक। यहाँ पर नेत्र का पर्यायवाची क्या होता है, तो नेत्र का होता है अच्छी होता है, है ना, आपका आंसर आपका ये हो जाएगा अच्छी बनेगा। अगला दिया गया है विलोम शब्द आपको बताना है, चार चार विकल्प दिए गए हैं,
आप देखेंगे यहां पर जो आपके पर्यायवाची दी गई है ना, आपसे कह रहे विलोम के चार चार शब्द दिए गए हैं, और यहां पर देखा जाए तो भैया यहां पर विकल्प आपको बताना है संधि का विलोम क्या होता है। चलिए बताना है संधि का जो विलोम होता है इनमें से होता क्या है। चलिए तो आप कहेंगे सर संधि का विलोम जो होता है वो क्या होता है, संधि का विच्छेद होता है, ऑप्शन नंबर जिसका आ गया है नंबर राइट हो जाएगा, संधि का विच्छेद हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है संयोग का विलोम क्या होता है, सॉरी संयोग का जो विच्छेद करेंगे, संयोग का विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर बताना है आपसे कह रहा है संयोग का विच्छेद करने पर बनेगा क्या, 37 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा संयोग का होता है विलोम क्या होगा, ये विलोम पूछ लिया है, संयोग का विलोम होता है वियोग, क्या होता है वियोग। विकास का विलोम क्या होता है, विकास का होता है क्या, विकास तो सीमा होगा नहीं है ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा ह्रास है ना, विकास मतलब जैसे एक प्रकार से कोई पॉजिटिव शब्द आपका आएगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा विलोम आपका ह्रास हो जाएगा, ह्रास मतलब कमी होता है। उत्थान का विलोम क्या होता है बताना है, चलिए यहाँ पर दिया गया है कह रहा है उत्थान का जो विलोम होता है वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा, उत्थान का विलोम पूछा गया है। आप कहेंगे सर उत्थान दिया है और उत्थान का होता क्या है, यहाँ पर होता है उत्थान का पतन होता है। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका धीरे धीरे पतन होता चला जाएगा, और अगर आप धीरे धीरे पढ़ाई करते रहेंगे, पढ़ाई को बिल्कुल लय से रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी है ना। आपका भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्षुद्र का जो विलोम होता है क्या होता है, क्षुद्र का विलोम बताना है। देखिए भैया क्लास में जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा है ना। यहाँ पर देखिए काफी लोग जुड़े हैं लेकिन बहुत लोग भूल जाते हैं, इसलिए हम वीडियो में एक बार जरूर बोल देते हैं है ना कि भैया जितने लोग यहाँ पर है याद आ गया है तो एक बार सभी लोग जितने साथी हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ठीक है ना। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है क्षुद्र का विलोम होता क्या है, तो हमने कहा सर 40 का ऑप्शन होता है क्षुद्र, मतलब क्या होता है बोलते हैं यार क्या छोटी बात कर दिया तुमने, बोलते हैं ना क्या यार छोटी बात कर दिया है ना। तो आप कहेंगे क्षुद्र का होता है महान, क्या होता है महान, ऑप्शन मैंने आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला है नीचे चार विकल्प दिए गए हैं ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, और विकल्प में से आप कह रहे हैं कि तीन की वर्तनी जो आपकी गलत है एक की सही है, अब जो सही वर्तनी आपकी है वो आपकी है कौन सी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 41 नंबर में जो आपकी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो आपका है वो आपका है कौन सा, 41 नंबर यहाँ पर बताना है। चलिए यहाँ पर देखना है 41 नंबर में हमने कहा सर देखा जाए तो आपका जो सही शब्द आपका होगा वो कौन हो जाएगा, दृश्य देखो ये गलत है, ये भी गलत दिया है, ये भी गलत दिया है, आपका आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा 41 का ऑप्शन ही बनेगा। यहाँ पर दिया गया है ऐतिहासिक या ऐतिहासिक क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सर ऐतिहासिक होता है शुद्ध, और कहाँ पर लिखा है ऐतिहासिक, 42 नंबर में ऑप्शन देखिए आपका बी नंबर ऐतिहासिक सही हो जाएगा। अगला है वाड्मय, वाड्मय कैसे लिखेंगे सही, चलिए वाड्मय की अगर बात करते हैं तो वाड्मय जो सही लिखा जाएगा वो किस प्रकार से सही लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 में वाड्मय जो दिया गया है वो आपका देखिए ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द आपका होगा ही नहीं यहाँ पर, ये आपके इसके साथ लगा है तो आप कहेंगे आंसर आपका ए हो गया राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है सहोदार्य या सहोदार्य होता क्या है, यहाँ पर 44 नंबर में जो सही होता है वो आपका होता है सौहार्द जो दिया गया ये वाला, सौहार्द ये जो दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका डी वाला ये सही हो जाएगा। अगला दिया गया है ज्योत्सना, देखिए ज्योत्सना जो आपका दिया है 45 नंबर में ये ज्योत्सना ये आपका सही नहीं है, लेकिन ये ज्योत्सना बिल्कुल सही है, आधा ता आधा सा ना के साथ पूरा करता है तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। बाकी गद्यांश दिया गया है कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि के अधिक महान होते हैं, संगीत के पागल मतलब ये संगीत के बारे में है ना, सभी लोग सही करेंगे। अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता क्या है, तो अच्छा गुरु जो होता है अपने शिष्य में क्या देखता है, ये चीजें आपको बड़ी आसान है ना, शिष्य और गुरु के बारे में यहाँ पर दिया गया है, बड़ा आसान गद्यांश से कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 49 आपसे कह रहा है जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिलती है उन सबका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु को जाता है ना, कथन में भाव आपसे कह रहा है 49 में, तो भैया यहाँ पर गुरु के प्रति क्या है श्रद्धा है, ये गुरु के प्रति श्रद्धा है, यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला है पथ शब्द का समानार्थी है क्या, पथ का समानार्थी, पथ मतलब होता क्या है आप जानते हैं सर, पथ मतलब होता है रास्ता जो हमको मार्ग दिखाते हैं है ना। हमने कहा बहुत ऐसे भी आपका हमारी क्लास में भी बहुत ऐसे लोग होंगे जिनमें से आपको बहुत कुछ आता हो उस क्षेत्र में हम जीरो हो है ना, तो अगर हमने आपसे सीखा है ना, मतलब आज के समय में कहते हैं हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी का गुरु होता है, चाहे वो आपका कैसा भी गुरु हो है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हो सकता है जो चीज आपको आ रही हो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हम जीरो भी होते हैं, तो पथ का मतलब होता है मार्ग, हम आपको जो मार्ग दिखा रहे हैं वो सही मार्ग दिखाएंगे, तो इसका मतलब पथ मतलब हो गया मार्ग हो गया रास्ता हो गया। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है विनय पत्रिका की भाषा क्या है। हमें लगता है कि हिंदी साहित्य में देखा जाए तो आपके जो क्वेश्चन होते हैं अब बिल्कुल आपके सही जाने लगे हैं, मतलब देखा जाए तो आप लोग यहाँ पर लगभग लगभग देखा जाए तो हिंदी साहित्य के लगभग 50% क्वेश्चन आप लोग सही कर ले रहे हैं
हमने कहा सर विनय पत्रिका की जो भाषा है वाकई है कौन सी, चलिए यहां पर जवाब देना है। चलिए भैया देखिए यहां पर दिया गया है विनय पत्रिका की जो भाषा है वाकई इनमें से है कौन सी। बहुत अच्छे, अति सुंदर जवाब सबके सही है। हमने कहा सर विनय पत्रिका की जो भाषा है वाकई कैसी है, ब्रजभाषा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ब्रजभाषा, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा, ब्रजभाषा हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आइएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले जो आपके कवि हैं वो आपके कौन है। यहाँ पर बताना है आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले जो कवि थे कौन थे। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर आदिकाल के पहेलियां लिखने वाले थे आपके अमीर खुसरो। कौन है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है कवितावली के रचनाकार इनमें से कौन है। कवितावली यहाँ पर रचनाकार पूछा गया है, कवितावली के रचनाकार कौन है। तो आप कहेंगे सर कवितावली, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कवितावली, दोहावली है ना, यहाँ पर आपके तुलसीदास, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। चलिए तो आप कहेंगे सर हिंदी प्रदीप पत्रिका एक मासिक पत्रिका थी है ना, मंथ में एक बार निकलती थी और इसका प्रथम अंक 1870 में प्रकाशित किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है ऑप्शन ए नंबर है, ये हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट यहाँ पर हो जाएगा। वैसे देखा जाए अगर पूछे विमोचन किया था, विमोचन तो विमोचन आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, लेकिन इसका संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने किया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला दिया है अंधेर नगरी के लेखक आपके, कह रहा है अंधेर नगरी के, तो यहाँ पर अंधेर नगरी के कौन है ये बताना है। चलिए इसके पहले भी कोई पॉइंट था, ये हो गया है। अगर यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि अंधेर नगरी के जो लेखक है वो आपके है कौन। चलिए अंधेर नगरी की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है परमान रासो के द्वारा लिखा गया है, अर्थात परमान रासो किसके द्वारा रचित है, परमान रासो किसके द्वारा है, परमान रासो आपका जो आंसर है इनमें से क्या होगा। चलिए हमने कहा सर परमान रासो है और परमान रासो हो जाएगा यहाँ पर जगनिक के द्वारा है, किसके द्वारा, जगनिक, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया रामचरितमानस की भाषा आपकी है क्या, रामचरितमानस की जो भाषा है वो आपकी इनमें से है क्या, रामचरितमानस। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर रामचरितमानस दिया है और रामचरितमानस हमने कहा राम आपके कहाँ के थे, तो राम के थे आपके अयोध्या के, कहाँ के, अयोध्या के। जब अयोध्या है तो आप कहेंगे सर अवधी भाषा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है दुलहिनी गावह मंगल चार हम घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्ति जो आपकी है वो किसकी पंक्ति है। यहाँ पर देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही करने वाले हैं। चलिए दुलहिने गावह मंगल चार है ना, हम घर आए राजा राम भरतार, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, उसका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया 230 नंबर का ऑप्शन सी वाला बनेगा। याद रखिए तुलसीदास नहीं लगाना है, इसमें तुलसीदास नहीं लगाना है, ये अपवाद रूप में दो आपके पॉइंट होते हैं। यहाँ पर आपका ये कबीरदास की पंक्ति, इसको नोट कर लीजिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन्हीं से गलती हो सकती है, बाकी याद रखिए जो लोग पहले से हमेशा पढ़ रहे हैं उनसे गलती नहीं हो सकती है, यही फायदा होता है डेली क्लास लेने से, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। यहाँ पर देखिए 231 नंबर में हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो कुटज तो आपका होता ही होता है, आपको अशोक के फूल भी आपके हो जाएंगे है ना, यहाँ पर विचार प्रवाह भी है, लेकिन ये बताइएगा आपसे कह रहा है व्रत और विकास ये किसकी रचना है, व्रत और विकास ये जो रचना है वो आपका है किससे, बताइएगा व्रत और विकास किसका निबंध संग्रह है। तो दोस्तों याद रखिएगा व्रत और विकास की अगर बात करते हैं अर्थात ये जो रचना है वो आपके वराह मिहिर की है, किसके, वराह मिहिर की है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए गलत हो जाएगा। मृगावती किसकी रचना है, मृगावती, देखिए मृगावती दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एक कुतुबन की है, किसकी है, कुतुबन, इसका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आनंद कादंबनी के संपादक इनमें से कौन थे, आनंद कादंबनी के संपादक इनमें से कौन थे। चलिए यहाँ पर देखिए आनंद कादंबनी के कौन है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि चौधरी अर्थात बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है, क्या पूछेगा, उपनाम, तो ये बताइएगा इनका उपनाम आप लोगों को बताना है कि सर जी बद्री नारायण चौधरी का उपनाम इनमें से क्या है। चलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बद्री नारायण चौधरी का उपनाम इनमें से है क्या, तो कहेंगे सर उपनाम ही तो दिया है सामने है ना, ये उपनाम ही तो दिया है, अर्थात ये जो सिंगल वर्ब सिंगल इन्वर्टेड कामा में होता है, जो सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा होता है किसी व्यक्ति का, अगर उसके आगे सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा है वही उसका उपनाम होता है, ठीक है। तो ये प्रेमघन क्या है, इनका उपनाम है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम जो किसने प्रस्तावित किया था, चलो बताइएगा आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम है जो प्रस्तावित किया था किसने किया था।
यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा का तथा विश्वनाथ प्रसाद ने इसे वीरकाल नाम दिया था। यहाँ पर देखिए तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़, ये सब किसकी पंक्ति है, ये जो पंक्ति है वो आपकी इनमें से है क्या? चलिए देखिए आपका ने बताया तोड़ते होंगे मठ और गढ़, यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा कौन सा, 235 को ऑप्शन जिसका भी बनेगा सी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। ये मुक्ति बोध की है, किसके है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मुक्ति बोध जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सही सही नहीं लग रहा है हमको भैया। क्यों भैया ये सही नहीं लग रहा है, क्या सही है क्या नहीं है बताइए। तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़, ये किसकी पंक्ति है? चलिए किसकी है, क्या सही लिखा है? चलिए मुक्तिबोध की है, बिल्कुल सही है, इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा यहां पर ये होता है तोड़ते होंगे पत्थर, तोड़ती पत्थर, अच्छा ये होता है तोड़ती पत्थर की रचनाकार कौन है? देखो यहीं पर एक शब्द होता है तोड़ती पत्थर के रचनाकार पूछा जाता है, तोड़ती पत्थर है ना इलाहाबाद के पथ पर है ना, ये जो शब्द होता है वो निराला जी का होता है या निराला का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तोड़ते होंगे मठ और गढ़ ये किसका है? मुक्तिबोध का है। तो याद रखिए दोनों पॉइंट अब आपको समझ में आ गया, तोड़ती पत्थर के अगर पूछे तो निराला है, तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ ये किसका है? मुक्तिबोध का है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है, चलिए अगला दिया गया है, कह रहे नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ था? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ था? 236 नंबर आपसे दिया गया है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 236 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 236 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, इलाहाबाद, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार इनमें से कौन है? आधे अधूरे नाटक के जो रचनाकार है इनमें से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके आधे अधूरे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, मोहन राकेश आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया है मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? यहां पर देखिए आपका जो 238 नंबर दिया है, 238 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये पुरस्कार, ठीक है, इनकी एक कहानी थी पुरस्कार कहानी, तो पुरस्कार कहानी में से ये आपकी है मधुलिका, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट दिया है सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक है ना, तजकर मोह स्मृति के प्यार, यहाँ पर पार इस पंक्ति के रचयिता पूछा गया है। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ये दिनकर की है, दिनकर की। अंधा कुआं के लेखक आपके हैं कौन? अंधा कुआं के जो लेखक हैं यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा, अंधा कुआं के लेखक, तो हमने कहा सर अंधा कुआं की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 240 को ऑप्शन बी हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए हमने कहा प्रथम तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1943 में हुआ था, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ये सात कवियों की कविताएं इसमें संकलित की गई हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यहाँ पर रचयिता पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? चलिए घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, ये आपके रीत काल के हैं, है ना, हमने बताया था रीत काल के तीन प्रमुख काव्य धाराओं में एक रीतबद्ध होता है, रीत सिद्ध होता है, रीत मुक्त होता है ना, तो यहाँ पर जो आपके ये अग्रणी कवि आपके हैं घनानंद, जो आपके हैं कौन, घनानंद, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा, और ये रीत मुक्त में से हो जाएंगे। अगला है सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना किया है? तो आप कहेंगे सर सूर सागर ये आपकी किस्में से, सूरदास आपके भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा ब्रज भाषा से, ये क्या है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्लास कंप्लीट होती है, एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, यहाँ पर बताना है परमार रासो किसके द्वारा रचित किया गया है, यहाँ पर बताना है आपसे, कह रहा है परमार रासो, परमार रासो जो आपका है किसके द्वारा रचित किया गया है, ये कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करना है, आपके लिए होमवर्क आपका है। ठीक है ना, तो जितने भी यहाँ पर साथी जुड़े हैं एक बार, सभी लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद लिख दीजिएगा, है ना, ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद।